वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दिस इज योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव ठीक है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर uh, दिस वीडियो इसमें मैं स्पेशलाइजेशन पार्ट जो है आपका वो कवर करा रही हूँ हमारे यूनिट वन यूनिट टू और यूनिट थ्री ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है करंटली हम यूनिट थर्ड uh, का चैप्टर आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ का पी चाहिए उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वहां पे मैं पीडीएफ टेस्ट सीरीज अपलोड करती हूँ एंड आपका जो यूनिट सिक्स है उसका स्कीम्स का पार्ट वन भी मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है एंड जल्दी आपको वहां का पार्ट सेकंड भी मिल जाएगा ठीक है तो इस ग्रुप आ, को ज्वाइन करें ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा तो इन केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप मुझे मेल कर सकते हैं कारण क्रांच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो उससे पहले हम एक बार हमारा सिलेबस देख लेते हैं दिस इज योर सिलेबस तो यूनिट वन कवर हो गया हमारा सारा ठीक है जो यूनिट वन का फर्स्ट पार्ट है ये मैंने दो पार्ट्स में कंप्लीट किया है सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन तो जो आपको फर्स्ट लेक्चर मेरा दिखेगा उसके कमेंट सेक्शन में जाना आप वहाँ पे जो पिंड कमेंट होगा पिंड कमेंट वहाँ पे है उसमें आपको इसके पार्ट टू की लिंक मिल जाएगी ठीक तो ये सारा हमारा हो गया फिर यूनिट टू में हमने ये सारा ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली कल हमारा ये लास्ट का बचता था फोबिया एंड पैनिक डिसऑर्डर वो भी कवर हो गया एंड यूनिट थर्ड ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड रेवोल्यूशन ही मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाया है यू भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है एंड थर्ड टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्स जेंडर सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर अगर आप जेंडर ये वाले जो टॉपिक्स हैं मेरे जेंडर इनक्वालिटी एंड इशूज़ ये आपने लेक्चर ध्यान से देखे होंगे इसके सभी पार्ट्स तो आपका ये वाला जो चैप्टर है ये इसी में ही कवर हो रहा है इनकेस मुझे लगता है इसमें कुछ अपडेशन की ज़रूरत है तो मैं वो पी डी एफ में अपडेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी ठीक है तो वीडियो इस पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट एंड जेंडर इन इक्वालिटीज़ एंड इशूज़ में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं मैंने आपको इन डिटेल सेक्स और जेंडर की क्या डिफरेंस होता है ठीक है एंड ये दोनों टर्म्स कहाँ से आती हैं ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है इवन स्टार्टिफिकेशन चैप्टर में भी हमने इस बारे में बात की और स्टार्टिफिकेसन में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं ऑलरेडी तो अब हमारा फोर्थ चैप्टर रहता है इसका वुमेन राइट एंड चाइल्ड राइट्स ठीक है बाकी हमारा कवर हो गया है अब हमारे यूनिट थर्ड के दो चैप्टर्स रहते हैं एक आपका फोर्थ चैप्टर है ना आपका फिफ्थ चैप्टर है उसके बाद हमारा यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपका ये स्पेशलाइजेशन पार्ट जल्दी कवर हो आ, ताकि मैं बाकी जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो आ, करंट अफेयर्स वगैरह ठीक है एंड पॉलिटी का जो कुछ पार्ट है उस पर भी वीडियोज लेके आऊँ आपका वुमेन राइट एंड चाइल्ड राइट्स ये आपको देखने में दो टॉपिक्स लग रहे होंगे बट बेसिकली हमें इसमें चार चीज़ें डिस्कस करनी है देखो जहाँ पे इन्होंने वुमेन राइट लिखा है इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि वुमेन राइट स्पेसिफिकली आप इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हो या आपको ग्लोबल इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या हुई हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस फोरम्स क्या है इस चीज़ को लेके आपको वो डिस्कस करने हैं ठीक है वो मैंशन नहीं है तो वी विल कंसिडर फॉर दिस एग्ज़ाम कि हमें दोनों चीज़ें कवर करनी है है ना क्योंकि रिस्क क्यों लेना हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एंड कंसिडरिंग जो आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट है ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट इन एवोल्यूशन एंड यूडीएचआर से हुआ है तो अगर हम इसको मान के भी चले तो कहीं ना कहीं ग्लोबल एंगल वुमेन राइट का हो सकता है इस टॉपिक का मतलब एंड देन चाइल्ड राइट के साथ भी सेम चीजें हैं ग्लोबल लेवल पे भी एंड इंडिया लेवल पे भी तो हमारे चार टॉपिक्स बनते हैं इन दो टॉपिक्स के अंडर तो हम देखते हैं हमारे वीडियोज में कितना कुछ कवर हो पाएगा एक वीडियो में कितने टॉपिक कवर होंगे एंड उसके बाद कुछ सोशल इवेंट्स हमें डिस्कस करने हैं ठीक है देन वील मूव ऑन टू द यूनिट फोर्थ तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपका वीडियो आज का वुमेन राइट तो गाइज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ये समझें कि आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन पार्ट जो है आपका मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवा रही हूँ तो मुझे काफी क्वेरीज आती हैं कि बुक्स हम कौन सी फॉलो करें देखो आप मेरी बात सुनो इसकी कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है मार्केट में ऑथेंटिक एज एन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पढ़ते हैं देन कोई एक बुक जो होती है वो काफ़ी फेमस हो जाती है किसी सब्जेक्ट के लिए ठीक है uh, तो फिर यूजुअली बच्चे क्या करते हैं उस बुक से पढ़ते हैं एंड वो जेनुन भी होती है उससे सारा कवर हो जाता है उसका तो ये वाला जो एग्ज़ाम है आई डोंट नो ये पहले कब हुआ था ये अब कितने साल के बाद हो रहा है तो इस वजह से इसकी कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक मार्केट में नहीं है जो एक बुक आप बोल सकते हो आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई करोगे तो ऐसे केसेस में बेटर क्या रहता है जो भी आपका गवर्नमेंट रिलेटेड मटीरियल है जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई ठीक है या कुछ पार्ट आपके एनसीआर का ज्यादा एनसीआर के पीछे भी नहीं जाना क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो जाएगी एक दो चैप्टर से उसके बाद आपका सिलेबस कवरेज पे सारा ध्यान होना चाहिए एनसीआर एंड देन आपका इग्नो मटेरियल ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो मोस्ट ऑथेंटिक जो होते हैं आपके गवर्नमेंट के सोर्सेज ही होते हैं एंड एक बुक है सोशलॉजी की इंपॉर्टेंट सी शंकर राव इसमें भी आपका यूनिट वन आई के कवर हो रहा है सिर्फ फिर बाद वाले जो टॉपिक्स हैं यूनिट वन और यूनिट टू के कुछ चैप्टर्स इसमें कवर होंगे लेकिन जो बाद वाले टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट मटेरियल ही फॉलो करना पड़ेगा चाहे वो इग्नो मटेरियल हो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो फाइन तो जो मेरा सारा मटेरियल कंपाइल्ड है वो उन्हीं सोर्से से मैंने कंपाइल किया है तो इसीलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो अच्छे से एंड आप क्या कर रहे हो जो भी मैं आपको पीडीएफ फिर इन वीडियोस का देती हूँ वो वहाँ से रिवाइज़ कर रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको स्पेशलाइजेशन के लिए कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो चलो फिर देखते हैं क्या कवर करने हमें आज पहले वुमेन राइट के बारे में देख लेते हैं वुमेन राइट्स जो है बेसिकली क्या होती हैं ये वो फ्रीडम है जो इनहेरेंटली रेफर्स टू तो द फ्रीडम्स इनहेरेंटली प्रोजेस्ट बाय द वुमेन ठीक है जो बाय नेचर वुमेन में होने चाहिए कुछ राइट्स उनको मिलने चाहिए वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस तो इसमें आप वुमेन के बारे में लड़कियों के बारे में सारा जो ग्रुप है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है ये वो राइट्स हो सकता है जिनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया हो गवर्नमेंट ने दैट मीन्स गवर्नमेंट ने उन पर लॉज लेके आए हों जैसे इंडिया ने लेके आया इंडिया लेके आया है आर्टिकल फोर्टीन आपका बोलता है राइट टू इक्वालिटी तो राइट टू इक्वालिटी में क्या आपका जेंडर की इक्वालिटी भी आ जाती है कि दोनों जेंडर जो हैं वो बराबर है ठीक है या हो सकता है उसको इग्नोर किया जाए या उसको गलत तरीके से इलेजिटिमेटली सप्रेस किया जाए बाय लॉ कस्टम्स एंड बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी तो एक सोसाइटी के ऐसे बिहेवियर या कस्टम्स बने होते हैं ना जिससे लड़कियों को गलत तरीके से सप्रेस किया जाता है उनके फ्रीडम को कि लड़कियों को ये काम नहीं करना लड़कियों को ये जॉब नहीं करनी ठीक है तो वो सारी चीजें जो इनहेरेंटली एक वुमेन पोजेस करती है या गर्ल इनहेरेंटली पोजेस करती है दैट मीन्स जो उसका हक है वो फ्रीडम लेने का लेकिन उस फ्रीडम को या तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है ठीक है उस पर स्टैंप लग गई गवर्नमेंट ने माना कि हाँ ये राइट आपको दिया जाएगा या तो उस फ्रीडम को गलत तरीके से सप्रेस किया जाएगा या तो वो लॉ सप्रेस करेगी या जो कस्टम्स तो बिहेवियर्स किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बने हुए हैं ठीक है ये जो लिबर्टीज हैं दे आर ग्रुप टुगेदर एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ब्रॉडर नोशन ऑफ ह्यूमन राइट अब देखो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अब आप पहले स्टेटमेंट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो अगर आपने मेरे ह्यूमन राइट्स का चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो ह्यूमन राइट्स आप सोचोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दर ब्रॉडर नोशन ऑफ ह्यूमन राइट क्यों उनको डिफरेंशिएट किया जाता है क्या ह्यूमन राइट right में वुमेन्स राइट right की बात नहीं आएगी ठीक है आनी तो चाहिए ना लेकिन डिफ्रेंशिएट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब हमने ह्यूमन राइट्स की बात की तो थ्रू कोर्स ऑफ टाइम वो नेचुरली इवॉल्व होते गए और कुछ राइट्स हमने कहा हाँ मेन को एंड बॉयज के जो राइट्स हैं ये नेचुरली आपको रिकोगनाइज करने चाहिए राइट्स उनको देने चाहिए लेकिन जहाँ वुमेन के राइट्स की बात आती है तो उनको काफी फाइट करना पड़ा अपने राइट्स को लेने के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए भी जब फाइट करना पड़ा तो जब राइट के फिर रिजल्ट आ गया कि हाँ उनको राइट्स दिए जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ मेन की बात हुई ठीक है फिर उस राइट्स को कन्वर्ट करना कि वुमेन के पे भी वो राइट अप्लाई करो इसमें काफ़ी टाइम लग गया काफ़ी प्रोटेस्ट एंड काफ़ी रिवोल्ट हुए ठीक काफ़ी मूवमेंट्स चली उसके बाद वो राइट्स जो है वो वुमेन को भी दिए गए इसलिए जो ब्रॉडर नोशन है वुमन राइट ह्यूमन राइट का उससे हम वुमेन राइट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि वो हासिल करने में इनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी अब इश्यूज़ क्या है क्या क्या है कॉमनली जो एसोसिएट होते हैं वुमेन राइट के साथ दे आर दे इंक्लूड दो आर नॉट लिमिटेड टू ये अनएंडिंग लिस्ट है लेकिन कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मीन्स मेरी बॉडी मेरी मर्जी हेल्थ वाइज मैं इस पर क्या करूँ ठीक है मुझे जैसे किसी को कोई सेक्स चेंज ऑपरेशन करना चाहता है तो उसकी बॉडी है उसकी मर्जी होनी चाहिए कि उसको अपनी बॉडी के साथ मेडिकली क्या करना है या कई कंट्रीज़ में अबॉर्शन इलीगल है तो उस पर भी फाइट होती है कि अबॉर्शन को लीगलाइज़ करो क्योंकि वुमेन की बॉडी है अगर वो चाहे करना अगर वो अबॉर्शन करना चाहे तो उसको वो परमिशन मिलनी चाहिए ठीक है इसका मतलब होता है राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी अभी हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं करें मैं आपको जनरली बता रही हूँ वुमेन राइट्स में हम क्या क्या बातें करते हैं तो ये वो आपका राइट टू बॉडीली बॉडी एंड ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी भी यही होता है कि आपको इंडिपेंडेंस दी जाए आप अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इसका क्या मतलब वो हर एडल्ट सिटीजन जो है एक कंट्री का जो भी एडल्ट सिटीजन होगा दे शुड बी गिवन द राइट टू वोट कि वो वोट कर सके इेस्पेक्टिव ऑफ द एजेंडर ठीक है जेंडर रेस कास्ट वगैरह तो यहाँ पे वुमेन राइट की बात हो रही है तो हम स्पेसिफिकली जेंडर मेंशन करेंगे इस्पेक्टिव ऑफ इ जेंडर आपको राइट मिलना चाहिए बाई योर गवर्नमेंट की आप जाके वोट जो है वो डाल सको राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप अपॉइंट हो सको आप काम कर सको फेयर वेज आपको मिले इक्वल पे ठीक है जितनी लड़कों को मिलती है उतनी आपको भी मिले टू ओन प्रॉपर्टी एजुकेशन सर्व इन मिलिट्री या एंटर इंटू एनी काइंड ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट या टू हैव मैरिटल पेरेंटल एंड रिलीजियस राइट्स तो ये सारे राइट्स जो हैं ये आपको बोलते हैं कि वुमेन राइट में हम किन चीजों की, की बातें करते हैं ऑल दो ये इतनी ही बातें हम नहीं करते काफी ज्यादा बातें करते हैं बस ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको क्लियर करने के लिए

और अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल फोरम्स पे बातें जो हैं वो होने लगी ठीक है तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई जो हमें इसमें पढ़नी है क्या क्या हुई और कोई कन्वेंशन जो है वो यूएन ने अडॉप्ट किए जिनने स्पेसिफ़िकली वुमेन राइट इशू के बारे में जो है वो बातें करी एंड कुछ आगे आ, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास किए कुछ डिक्लेरेशन दिए कि वुमेन राइट्स right जो है वो किस किस बेसिस पे होना चाहिए तो कोई इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ऑफ यूएन एन इज एन जी ऑन ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी टू ठीक है तो ये कन्वेंशन रिकोगनाइज करता है कि हर किसी को हक है टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज और हर कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है वो कैसे कर सकता है थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव एंड हैज अ राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन हिज और हर कंट्री डिजायरिंग टू इक्वलाइज द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन एंड इन द एंजॉयमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ द पोलिटिकल राइट इक्लेयर तो बेसिकली यहाँ पे क्या बातें हुई हैं कि हर किसी को ये हक है कि वो पार्ट कर ले सकते हैं गवर्नमेंट में मतलब आपके गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री जिस कंट्री में हो आप हो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अगर आप मासिस में फॉल करते हो पब्लिक हो उस गवर्नमेंट की आप वोट कास्ट कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हो ठीक है तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या डायरेक्टली आप इलेक्शंस लड़ सकते हो ठीक है तो एक साइड से जहां आपको राइट टू वोट मिल रहा है आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे हो दूसरे साइड से आप डायरेक्टली गवर्नमेंट में आ रहे हो ठीक है आप वोट जो है इलेक्शन लड़के एमएलए एम पी वगैरह वो बनने की भी केपेबिलिटी रखते हो तो यहाँ पे बात हुई थी तो इसी कन्वेंशन के बेसिस पे फिर कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे पास हुए थे तीन आई एस तीन या चार डिक्लेरेशन हाँ तीन डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे पहला हो गया वुमेन शुड बी एंटाइटल टू वोट कि वो वोट कास्ट कर सके इलेक्शन में सेकेंड इज वुमेन होंगे एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू ऑल पब्लिकली इलेक्टेड बॉडीज इस्टैब्लिश बाय द नेशनल लॉ पब्लिकली इलेक्टेड बॉडीज में वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन के लिए कि वो वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं वो कौन सी बॉडीज हुई आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका पार्लियामेंट हो गया ठीक है अगर इंडिया की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई या आपके पंचायत हो गए या आपके मुंसिपल कॉरपोरेशन हो गई ठीक है ये आपकी रूरल लोकल बॉडीज़ हैं पंचायत वगैरह एंड का किस में आती हैं आपकी अर्बन लोकल बॉडीज ठीक है तो जितनी भी पब्लिक इलेक्टेड बॉडीज हैं इस्टेब्लिश बाई नेशनल लो वहां पे आप एलिजिबल हो इलेक्शन के लिए ये आपका एक डिक्लेरेशन हुआ एंड आप एंटाइटल्ड हो टू वोट वोट कास्ट कर सकते हो एंड वुमेन शिल be entitled टू होल्ड पब्लिक ऑफिस वगैरह एंड टू exercise ऑल पब्लिक फंक्शन तो अब ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकते कि एक वुमेन जो है वो आई ऑफिसर नहीं बन सकती ठीक है तो जितने भी पब्लिक ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर आप जो है अपॉइंट होने की ये रखते हो राइट रखते हो तो ये इंटरनेशनली बातें हो रही हैं अभी हम इंडिया को डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये चीज़ आप याद रखना तो ये सब कहाँ पे हुआ था कन्वेंशन किस पे हुआ था पोलिटिकल राइट्स ऑफ वुमन पे ये कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी दिसंबर में दूसरा आगे कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन 1957 अब देखो ये इशू ही क्यों आया था क्योंकि अगर किसी कोई शादी करता है ठीक है किसी अमेरिकन के साथ शादी करता है बाद में उसका डिवोर्स हो जाए वो लड़की अमेरिकन हो सकता है ना हो नॉन अमेरिकन जो है अमेरिकन के साथ शादी करे तो उसके बाद अगर उसको डिवोर्स हो जाए या हस्बैंड उसको सेपरेट कर दे खुद से या उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद वुमेन जो है उसके पास कौन सी सिटीजनशिप रहेगी क्या अमेरिकन वो रहेगी या उससे अमेरिकन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो रही थी सोसाइटी में इसी के लिए एक कन्वेंशन आया था ऑन द नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन कन्वेंशन आया था 1957 में इसने क्या कहा था कि एवरी वन हैज राइट टू अ नेशनैलिटी हर किसी को हक है एक नेशनैलिटी होने का एंड नो वन शल बी ऑफ नेशनैलिटी नॉट डिनाइड टू नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी तो ना ही आपको डिप्राइव किया जाएगा मतलब आपसे ली जाएगी आपकी नेशनैलिटी विदाउट एनी लेजिट रीजन और ना ही आपको डिनाई किया जाएगा राइट टू चेंज योर नेशनैलिटी अगर आप अमेरिकन से मलेशियन फॉर एग्जाम्पल बनना चाहते हो वो भी आपका राइट है तो वो भी कोई चेंज नहीं कर सकता है आपका राइट टू तो चेंज टू योर राइट टू चेंज योर नेशनैलिटी ये भी आपको एक राइट है और अगर आपको एक नेशनैलिटी दी गई है वो नेशनैलिटी कोई आपसे गलत रीजन से नहीं छीन सकता अगर आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो जाए उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए विदाउट एनी रीज़न मतलब आर्बिटरीली कोई भी आपको डिप्राइव नहीं कर सकता ऑफ योर नेशनैलिटी ठीक है तो यहाँ देखते हैं दिस कन्वेंशन ऑज इन व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन लॉ इन प्रैक्टिस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंसर्निंग द लॉस और द एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी लॉस मीन्स आपको पता है कि छिन जाना आपकी नेशनैलिटी एक्विजिशन मीन्स नेशनैलिटी हासिल करना एक्वायर करना एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन और चेंज ऑफ नेशनैलिटी बाई द हजबैंड अब अमेरिकन था अब वो कोई और बन गया ऑस्ट्रेलियन बन गया लेकिन आप खुद अमेरिकन हो तो आप कहाँ जाओगे ठीक है तो इस कन्वेंशन में ये वाली बात हुई थी कन्वेंशन ऑन द Consent ऑफ मैरिज मिनिमम एज ऑफ मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तो ये भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन 1962 में आया था ये कन्वेंशन बेस्ड है आर्टिकल 16 ऑफ यू वो आर्टिकल 16 ऑफ यू क्या कहता है कि मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज़, दैट मीन्स जो मच्योर मेन एंड वुमेन होंगे विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस नैशनैलिटी और रिलीजन हैव राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली ठीक है दैट मीन्स मैन एंड वुमेन जो फुल मच्योर एज के होंगे उनको हक है शादी करने का किसी भी रेस में नेशनैलिटी में या रिलीजन में और उनसे वो हक कोई नहीं छीन सकता दे हैव ए राइट टू फाउंड अ फैमिली ठीक है एंड दे आर एंटाइटल टू इक्वल और उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एज टू जितने जो मैरिज में होते हैं ड्यूरिंग मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन जो मैरिज के राइट्स हैं मैरिज के दौरान जो राइट्स होते हैं एंड जो डिवोर्स वगैरह के राइट्स हैं वो सारे इन लोगों पर एप्लीकेबल होंगे ठीक है सेकेंड वन इज मैरिज जो होगी इट शुड बी एंटर्ड विद फ्री एंड फुल कंजेंट ऑफ द इंटेंडिंग स्पाउस तो जो मेल एंड फीमेल है इसमें हजबैंड वाइफ है या अब तो चलो अलग अलग जेंडर्स होमोसेक्शुअलिटी जो है होमो वो वाली मैरेजेस भी होमोगेमस मैरेजेस भी अलाउड है तो जो दो पार्टनर्स है वो इसमें अपना पूरा कंजेंट देने चाहिए फुली कंजेंट होने चाहिए उनका फुल कंजेंट होना चाहिए ठीक है दैट मीन्स फोर्सफुल मैरेजेज आप ये फोर्सफुल मैरेजेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है अगर आप दोनों इस चीज के लिए अग्री करते हो तो आप शादी कर सकते हो एंड शादी करना आपका हक हाँ है चाहे आप किसी भी रेस नेशनैलिटी एंड रिलीजन के हो शादी करना फैमिली बनाना आपका हक हाँ है ये बात कहाँ हुई थी आर्टिकल सिक्सटीन ऑफ यू में देखो ये सिंपल सी चीजें हैं मैं इनको काफी तोड़ के फिर भी आपको बता रही हूँ बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ कि सारे जो होंगे सबके लिए आप एक स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते सबको समझाने के लिए कई लोगों को तोड़ के समझाने की जरूरत पड़ती है सिंपल चीज़ों को भी एंड इसमें कोई गलत बात नहीं आप अलग बैकग्राउंड से होते हो कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे काफ़ी सालों के बाद उन्हें पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर होगी ठीक है तो ऐसे भी लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो जो है जनरल वीडियो है सारी ऑडियंस के लिए है तो जिनको समझ में आ रहा है एक ही गो में अच्छी बात है और जिनके लिए तोड़ के समझना ज़रूरी है वो भी समझें इस चीज़ को आराम से ये मेरा पर्पज़ है तो मैंने कहा आर्टिकल सिक्सटीन यू डी एच आर के बेसिस पे क्या हुआ था कोई कन्वेंशन बना था कन्वेंशन ऑन द कंसेंट टू राइट टू मैरिज मिनिमम एज ऑफ मैरस कर दो किसके 16 अब इस आर्टिकल सिक्सटीन के बेसिस पे इस कन्वेंशन में क्या बात हुई थी नो मैरिज शेल बी लीगली एंटर्ड इन टू विदाउट द एंड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज ठीक स्टेट्स शेल टेक लेजिसलेटिव एक्शन टू स्पेसिफाई मिनिमम एज ऑफ मैरिज स्टेट्स बोलेंगी दैट मीन्स यहाँ पर आपकी मेम्बर स्टेट्स हैं आपकी कंट्रीज जैसे इंडिया वो अपना खुद एक लॉ बनाएगी कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए मिनिमम एज फीमेल्स की एटीन एंड मेल्स की ट्वेंटी वन इंडिया में ठीक है ऑल मैरिज शेल बी रजिस्टर्ड इन एन अप्रोप्रिएट ऑफिशियल रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो आपको मैरिज जो है अपनी वो जाके रजिस्टर करवानी होती है ठीक है तो ये जो तीन पॉइंट है कन्वेंशन के ये किसके बेसिस पे आए थे आर्टिकल ऑफ सिक्स जिसके दो पॉइंट्स हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किए देन जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये जो कन्वेंशन है 1970s के बाद से क्या हो गया यूनाइटेड नेशन इट बिकेम पर्टिकुलरली एक्टिव ऑन द रिगार्ड्स विद रिगार्ड्स टू राइट्स ऑफ वुमेन ठीक है मैंने पहले भी शायद आपको बोला बोलाटीज से ज्यादा बातें होने लगी यूनाइट uh, अगर नहीं भी बोला तो आप सुन लो नाइनटीन सेवेंटीज़ के बाद से ज़्यादा बातें होने लगी रिगार्डिंग द राइट्स टू वेमेन ठीक है और इसका ही एक बाद में जो इंटरनेशनल फोरम पे ये चीज़ को बार बार उछाला गया वुमेन राइट right की बात की गई अकॉर्डिंगली हमने काफ़ी कन्वेंशन यहाँ पर देखे जो डिक्लेरेशन पास की गई तो उसी का एक आगे फर्दर एक्सटेंशन है एक कन्वेंशन हमने साइन किया नाइनटीन में ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज ए कोर ह्यूमन राइट कन्वेंशन बोला कि एलिमिनेट करो जितने डिस्क्रिमिनेट करते हो वुमेन को जिन भी ग्राउंड्स पे और वो एलिमिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का ठीक है तो इस कन्वेंशन में और क्या बात हुई कहा एक कमेटी करो उस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन उसको शॉर्ट फॉर्म में सीई डी ए डब्ल्यू भी बोला जाता है सीडो कमेटी एक कमेटी इस्टेब्लिश करो इस कमेटी के ट्वेंटी थ्री एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे ठीक है जो ओवर लुक करेगा कि जो कंट्रीज हैं वो ऐसे लॉज लेके आ रही हैं कि नहीं जो इस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को रोके ठीक है द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट पार्टीज़ विद टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप लास्टिंग फोर इयर्स फोर ईयर उसका टेन्योर होता है उनके मेंबर्स का और वो कौन इलेक्ट करता है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपना जो मेम्बर है वो चूज़ करती हैं ठीक है जो यूनाइटेड नेशन कमेटी है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन सीडो ये एक्सपर्ट बॉडी है जो कब इस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन एटी टू में कम्पोज ऑफ ट्वेंटी थ्री एक्सपर्ट्स ऑन वुमेन्स इशू फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अगर आप उसकी डिटेल में जाना चाहो तो उसके लिए आपको यू एन की वेबसाइट पर जाना होगा बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए एग्जाम अगर वैसे ही दिल कर रहा है जाने का तो दे, जाके देख सकते हो जो कमेटी का मैंडेट है वो काफ़ी स्पेसिफिक है वो क्या काम करता है इट वॉच ओवर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन मेड इन दो कंट्रीज दैट आर स्टेट पार्टीज टू दाइनटीन सेवेंटी नाइन कन्वेंशन ठीक है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन तो जिस भी कंट्री ने इस कन्वेंशन को साइन किया है साइन रेटिफाई किया है वो रेटिफाई क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी मतलब जो भी कंट्री इस चीज को मानती है इस एलिमिनेशन को क्या वो कंट्री काम कर रही है टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या वो कंट्री ऐसे लॉज बना रही है टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ वूमेन वो काम है इस कमेटी का ओवर करने का ठीक है इसीलिए कमेटी बनी थी सीडो इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाइनटीन में इस्टेबलिश हुई थी इसको इट इज कंसिडर्ड जाता है इंडिया ने साइन किया था इस कन्वेंशन को दो चीजें मिलेंगी साइन एंड रेटिफाई ठीक है साइन करना हुआ कि हाँ मैं अग्री करता हूँ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इस कमेटी के इस कन्वेंशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैं उन सब चीजों से अग्री कर रहा हूँ ये सिर्फ अभी सिग्नेटरी है रेटिफाई क्या हुआ कि हाँ मैं अब खुद को लीगली बाउंड करता हूँ कि जो भी प्रिंसिपल्स इस कन्वेंशन के हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा एंड मैं अपनी कंट्री में ऐसे लॉज लेके आऊँगा जो इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करें ठीक है दैट मीन्स सिर्फ साइन करना सिर्फ आ, हो गया वो अग्री करता है रेटिफाई में ऑफिशियल उसको अपने पार्ट बनाता है इस कन्वेंशन को कि इस कन्वेंशन में जो भी प्रिंसिपल आपने बोले हैं जो रोकता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन को उन सारे प्रिंसिपल्स को मैं अपनी कंट्री में लेके आऊँगा और अपनी कंट्री में स्पेसिफिक लॉज बनाऊँगा उनको प्रमोट और एडवोकेट करने के लिए ठीक है तो ये हो गया रेटिफाई किया इसको नाइनटीन में एंड साइन किया कन्वेंशन को 1980 में विद सर्टेन रिजर्वेशन क्योंकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम अपने लॉज की बात भी करेंगे तो कहीं लॉज जो इंटरनेशनल लॉज है और इंडिया के जो लॉज बने हुए हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसीलिए जो भी इंटरनेशनल लॉ इंडिया एडोप्ट करेगी इंटरनेशनल लॉ इंडिया अडोप्ट करेगी वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अडॉप्ट करती है ताकि वो यहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूट करे पूरा जैसे मैंने आपको एबॉर्शन वाली बात करी अगर इसमें कुछ ऐसा होता कि राइट तो, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लो इसमें ऐसा होता कि आप अबॉर्शन जो है अलाउ करो लड़कियों को अबॉर्शन जो है वो करने दो लेकिन इंडिया में हमें पता है फीमेल फीटिसाइड का केस बहुत ज्यादा है ठीक है और स्क्यूड सेक्स रेशियो है दैट मीन्स फीमेल्स जो है वो एज कम्पेयर टू मेल्स काफी कम है ठीक है तो यहाँ पे अगर अः होते हैं वो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होते हैं लड़कियों को पेट में मारा जाता है हमें उसको रोकना था हमें उसको रोकना है तो अगर ऐसा इंटरनेशनल लॉ है कि उसको लीगलाइज करो हम उसको इंडिया में फुली नहीं लेके आ सकते हाँ मेडिकल ग्राउंड्स पे वगैरह वो चीज़ें अलग है लेकिन हमें लॉ लाना है फीमेल फिटिसाइड को रोकने का तो ये जो दो लॉज बनते हैं आपस में इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि हमें फीमेल फिटिसाइड को रोकना है वहां से हम एबॉर्शन राइट टू एबॉर्शन हर किसी को नहीं दे सकते तो इसीलिए जब भी हम कोई इंटरनेशनल लॉ अडॉप्ट करेंगे अपनी कंट्री में तो वो विद सर्टन मॉडिफिकेशन होगा उसी का मतलब होता है विद सर्टन रिजर्वेशनस उसके बाद नाइनटीन ईयर नाइनटीन सेवेंटी फोर इट वॉज सेलिब्रेटेड बाई द यू एन एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर ठीक है इस साल में जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यू एन का इट इस्टेब्लिश अ वॉलेंटरी फंड अब देखो ये याद रखना इंटरनेशनल वुमेन ईयर कब सेलिब्रेट किया यूएन ने 1974 में और इसी साल में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स को इकोसॉक बोलते हैं शॉर्ट में ये क्या है बेसिकली ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आपके यूनाइटेड नेशन का जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वगैरह इंटरनेशनली होते हैं उनको डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म समझो आप ठीक है तो उसने इस्टेब्लिश किया एक वॉलेंटरी फंड इस फंड को बाद में बोला गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन ये क्या करता है वुमेन को जो भी ऑब्स्टेकल्स वो फ़ेस करती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंड सजेस्ट करने के लिए आप कैसे उनको वुमेन इश्यूज़ को प्रमोट करो उनको एजुकेट करो या कोई भी मेजर लेके आओ ठीक है जिससे जो वुमेन इश्यूज़ है वुमेन्स की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए उस सब चीजों में कोई पैसा तो लगेगा ही ना हवाई बातें सिर्फ आपको पेपर पर पे थोड़ी करनी है ऑन ग्राउंड कुछ करना होगा तो वो जो पैसा लगेगा उसके लिए एक फंड एस्टेब्लिश किया गया जिसको हम बोलते हैं यूनिफेम शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन और ये किसने लाया आपके इकोसॉक ने 1974 में जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं और ये किसने बनाया था आपका ये इसको इंटरनेशनल ईयर किसने कहा यू एन ने तो जब ये ईयर खत्म हो गया दिस ईयर कलमिनेटेड इन कलमिनेटेड इन होल्डिंग अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई मैक्सिको में मैक्सिको सिटी में इन 1975 अब हम कुछ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे जो वुमेन इशू के सराउंडिंग कुछ कॉन्फ्रेंसेस बनी थी मेक्सिको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ठीक है इसने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ मेक्सिको डिक्लेरेशन ऑफ मेक्सिको अडॉप्ट किया दैट मींस एक डॉक्यूमेंट लाया होगा जिसका नाम रखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ मेक्सिको कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट तो कुछ होना चाहिए ना दैट मीस आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की उसके लिए आपको बाद में कोई डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए कॉन्फ्रेंस का क्या रिजल्ट है तो वैसे ही अलग अलग नामों से उसको फिर बताया जाता है प्लान ऑफ एक्शन क्या है कॉन्फ्रेंस का या डिक्लेरेशन क्या थी कॉन्फ्रेंस की तो वो था इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड देर कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एंड पीस ठीक है इसने फोकस किया अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है किसके वर पोजिशन के ठीक है तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बना हुआ है की वुमेन जो इन्फीरियर है सोसाइटी के ऐसे लॉज कस्टम्स वही जैसे यहाँ पे क्या किया जाता है यहाँ पे आगेकारी लड़की या आगेकारी बहू आगेकारी बीवी किसको बोला जाता है जो अपने ओपिनियन सामने नहीं रखती है जिसके कोई अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू बोलने की उसमें उसको कैपेबिलिटी नहीं दी जाती है उसको उतना एबल नहीं किया जाता है वो अपनी वॉइस रेज कर सके चाहे उसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसा बना हुआ है अगर आप लेबर देखो लेबर फोर्स सर्वे अगर आप देखोगे तो जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन एम्प्लॉयमेंट तो वुमेन को जॉब भी कम दी जाती है क्योंकि एम्प्लॉयर्स का ये कहना है वुमेन की बाद में शादी हो जाती है ठीक है उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको मेटर्नल लीव्स देनी पड़ती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इस चीज़ की वजह से वो क्या करते हैं वो आ, ये करते हैं ज़्यादा किन को प्रेफर करते हैं आपके मेल मेंबर्स को ठीक है तो इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है वो उतना डेवलप नहीं है कि आप वुमेन को एक अच्छी पोजिशन दे पाओ सोसाइटी में वो तो वो एक रीजन है मेजर कॉज है वुमेन का इन्फीरियर पोजिशन तो ये इस डिक्लेरेशन में डिस्कस हुआ था ठीक है तो जो प्लान है आउटलाइंस नाइन स्पेसिफिक एरियाज फॉर नेशनल एक्शन फोकस किन किन चीजों पे किया था इन चीजों पे किया था ये आप याद रख लेना ठीक है ये हो गया आपका मेक्सिको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ठीक ये कब हुआ था 1975 में उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल वुमेन ईयर जो 1975 को बोला गया था 1974 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर बोला गया था सेलिब्रेट किया था ठीक है उसके बाद 1975 में क्या किया था यूएन ने कहा था 1976 टू को यू डेकेड ऑफ वुमेन क्योंकि वुमेन राइट right की बात करें तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन कब बोला गया था एंड यू एंड डेकेड ऑफ वुमेन कब बोला जाता है डेकेड होता है दस तो जब जब भी हम डेकेड की बात करते हैं दैट मीनस दस साल ये 1976 से लेकर 1985 इन टेन ईयर को क्या बोला गया था ये यू डेकेड ऑफ फॉर वुमेन है ठीक है तो इसके बाद इस डेड में क्या हुआ था एक इम्पॉर्टेंट चीज इस डेड के दौरान क्या हुआ था एक और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉपन में हुई थी ये हागन कहाँ पे है आपका डेनमार्क की कैपिटल ठीक है तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी इक्वालिटी डेवलपमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन ठीक है इन द सेम ईयर जो आपकी जनरल असेंबली है यू एन जी ए उसने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थर्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेकेड के लिए जहां पे इसने फिर से एम्फिसाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एज बोथ एजेंट्स एंड बेनिफिशरीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की हमने बात की कोपन हार्गन कॉन्फ्रेंस वो नाइनटीन एटी में हुई इंटरनेशनल डेकेड ऑफ ये जो था इंटरनेशनल वुमेंस ईयर वो कब सेलिब्रेट किया नाइनटीन सेवेंटी फोर और यू एन डेड फॉर वुमेन कब बोला गया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन एटी फाइव तो नाइनटीन एटी में यू एन जी ए ने क्या कहा एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट नाइनटीन एटी में ही यू एन जी ए ने कहा अडॉप्ट किया एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जहाँ कहा क्या बात हुई कि वुमेन जो है उनको इंपॉर्टेंस तो बोथ एज ऐ एजेंट भी और बेनिफिशियरी भी डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीन्स वुमेन को जो है कम्प्लीटली इंटीग्रेट करो आप डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ उनको इंक्लूड करो उनसे काम भी लो एंड उनको फ़ायदा भी पहुंचाओ ये सारी बातें अभी तक हमने पढ़ी उसके बाद और एक कॉन्फ्रेंस हुई नैरो कॉन्फ्रेंस नाइनटीन में हुई थी इसने क्या किया एलिमिनेट करो ऑल फॉर्म्स ऑफ इन बिटवीन मैन एंड वुमेन बाय कैसे इंटीग्रेट करो वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस में तो वहां पे भी यही बात हुई जो कहाँ पे हुई थी जो यू एन ने किस में कहा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई थी ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप इसको टेबुलर फॉर्म में ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस लिख सकते हो कौन सी कॉन्फ्रेंस मोटो एंड ईयर ठीक है ये तीन चीजें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस कौन सी खास बात हुई थी एंड वो किस ईयर में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी ठीक है उसके बाद नाइन नाइनटीन नाइन थ्री में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट हुई थी वेना ठीक है ये देख लेना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट यहाँ पे वुमेन राइट की बात नहीं हो रही है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट एक कहाँ पे हुई थी वेना जिसके बाद एक वेना डिक्लेरेशन आया था जिसमें क्या कहा था कि ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है दे आर इन एलियनेबल इंटेग्रल एंड इंडिविजल पार्ट ऑफ इंडिविजुबल पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट ये इन एलिनेबल इंटीग्रल कौन से पार्ट्स होते हैं राइट्स होते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता दीज राइट्स के नॉट भी टेक अवे ये इन एलिनेबल है आपके इनको कोई ले नहीं सकता आपसे ये इंडिविज़िबल है आपसे कोई अलग नहीं कर सकता ये आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है ये बात कहाँ पे की गई थी ये की गई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट जो कहाँ पे हुई थी वेना में ठीक है 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वुमेन राइट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है ये कॉन्फ्रेंस थी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग लेकिन उस ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में एक पॉइंट इन्होंने वुमेन राइट का भी कहा था उसके बाद फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी बीजिंग में जो किसी कैपिटल है चाइना की 1995 और उसमें एक बीजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन आया था अगेन वो आपका डिक्लेरेशन टाइप जिसमें ट्वेल्व क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई किया था वुमेन रिलेटेड तो वो ये सारे हैं ये आप देख लेना इनको आप याद कर लेना चाहे तो दो चार बार पढ़ लो दिमाग में रह जाएगा कौन कौन सी चीजें तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हमने चार कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी मैक्सिको वाली वो कब हुई थी 1975 फिर हमने पढ़ी कूपन वो थी नाइनटीन ठीक है उसके बाद हमने पढ़ी थर्ड वन नरो वो कब हुई थी आपकी 1986 एंड फोर्थ वन इज योर बीजिंग 1995 तो अभी अगर आपको लग रहा होगा कि इतना सारा पढ़ना कंफ्यूजिंग है, है लेकिन जब आप बैठोगे आराम से लेक्चर रिकॉल करोगे नोट्स बनाने की कोशिश करोगे ऐसे करके आप पॉइंट और फॉर्मेट में अपने नोट्स लिखोगे तो फिर आपको इमिजिएटली याद आ जाएगा अच्छा मेक्सिको में हुई थी इन बिटवीन हमने पढ़ा नाइनटीन वेना डिक्लेरेशन हुआ था ऑन ह्यूमन राइट उसमें भी ये बात करी थी वुमेन रिलेटेड इशू की वो इन इन एलिनेबल राइट्स हैं कोई नहीं ले सकता इंटीग्रेटिव है ठीक है अन इंडिविजल राइट्स हैं मैंने और गर्ल चाइल्ड रिलेटेड राइट्स की बात हुई थी ठीक है ये सारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हमने डिस्कस करी इसमें उसके बाद बीजिंग प्लस फाइव ये भी एक ये है सेशन हुआ था यू एन जी ए का जिसका क्या टाइटल था जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ये कब हुआ था जून टू थाउजेंड में एट यू एन न्यूयॉर्क में ठीक है इस तेषक में क्या हुआ था गवर्नमेंट ने रीअर्म किया था कमिटमेंट टू द गोल्स ऑफ 1995 फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उसके जो गोल्स है उनको रीअफर्म किया था 1995 में कहा पे हुई थी बीजिंग में फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आपकी बीजिंग में हुई थी ठीक है और उसमें क्या हुआ था वो ट्वेल्व पॉइंट जो है कंसर्न के उनको रेज किया गया था वो ट्वेल्व पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अडॉप्ट किया था कुछ फ्यूचर एक्शंस फॉर इयर टू थाउजेंड एंड बियॉन्ड ठीक है तो ये सारी चीजें किसे रिलेटेड है आपके बीजिंग प्लस फाइव से तो ये आपका कम्प्लीट होता है वुमेन राइट जो हमें वुमेन राइट जो भी ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर जो बात हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन नेक्स्ट वीडियो में जो वुमेन राइट है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वो डिस्कस करूंगी तो टिल द टाइम है अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर है ग्रेट डे एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं बाय टेक केयर